हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में गणगौर ग्रुप द्वारा बायो सीएनजी, बायो पीएनजी तथा बायो फर्टिलाइजर की उत्पादन इकाइयां स्थापित की जा रही है, जो कि 3 टन उत्पादन क्षमता के साथ प्रारंभ की जाएगी। गणगौर ग्रुप के फाउंडर एंड सीएमडी कमलेश सेन ने बताया कि बांसवाड़ा जिले के चौपासाग, मौयावासा, चिड़ियावासा, सुरवानिया, अर्थूना एवं आनंदपुरी क्षेत्र में उत्पादन की प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत गनोड़ा की मौयावासा इकाई का भूमि पूजन कार्यक्रम सांसद कनकमल कटारा की अध्यक्षता एवं चेयरमैन राम इकबाल सिंह की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सांसद कनकमल कटारा ने बताया कि वागड़ क्षेत्र में इस प्रकार की उत्पादन इकाइयों से किसानों की आय में वृद्धि होगी एवं बाहर से आयात करने वाले ईंधन से पड़ रहे आर्थिक बोझ में कमी आएगी, साथ ही क्षेत्र के युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होकर किसानों को रासायनिक खेती से मुक्ति मिलेगी। भूमि पूजन के अवसर पर मौयावासा इकाई के संस्थापक महेंद्र सिंह चौहान, सुरेश सुथार, लाभचंद पटेल रयाना, बहादुर सिंह, भूपेंद्र सिंह, श्रवण सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह, अंकुश मेहता, मनीष पंचाल, राहुल कलाल, लोकेंद्र सिंह, कपिल सुथार आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज जोशी ने किया एवं आभार मोहनलाल पटेल ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा से एकता समाचार की रिपोर्ट।